ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तो हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम घुड़सवारी करेंगे, वो भी स्पॉन आइलैंड पर, और इन छोटे बहनों को भी मारेंगे और इस मकड़ी को भी, वो भी भगा भगा के, भाग भाग के, लेकिन मारेंगे ज़रूर। तो हेलो दोस्तों, मैं एक दिन ऐसे ही प्ले स्टोर पर भटक रहा था, तब मेरे को एक गेम दिखा, पता नहीं क्यों सूझा, तो सोचा चलो एक बार इस गेम को ट्राई करके देखते हैं। तो आओ यार, चलो चल के देखते हैं कि इस गेम में क्या क्या है। तो जैसे ही मैं स्पॉन होता हूँ, उधर सारा का सारा पानी दिखता है, लेकिन जैसे चलने लग जाता हूँ, सारी घास उग जाती है। तो इधर घोड़ा था तो उसकी घुड़सवारी भी करता है। अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा गेम है, तो इस गेम का नाम है 6A राइडर मिशन। तो मैं जैसे ही इसका मैच शुरू होती है, कुछ एनिमेशन ऐसा है, अपन किसी एयरशिप से ग्लाइडर उठा के निकल लेते हैं, और इसको लेफ्ट राइट भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन अपने को लेफ्ट राइट नहीं, अपने को सीधा स्ट्रेट जाना था। और आगे कुछ वेयरहाउस जैसा कुछ तो था, वेयरहाउस था कि क्या था पता नहीं, मैं उसी जगह पे मैं कूद जाता हूँ। यहाँ पर मेरा स्वागत करने के लिए ये महाशय तो बैठे थे, तो इसको मैंने मारा, इसने मेरे को एक भी हाथ नहीं लगाया, इसने मेरे पर एक भी अटैक नहीं किया। तो मैं इधर डब्बा कुछ खोलता हूँ, और मेरी हेल्थ क्यों जा रही है भाई, देख सकते हो मेरे को कोई मार नहीं रहा, अपने आप ही मेरी हेल्थ कम होती जा रही है, पता नहीं क्यों उसने मेरे को कोई इफेक्ट दे दिया या फिर क्या किया, मेरे को नहीं मालूम। तो यहाँ पर मैं डब्बा खोलने आता हूँ, पता नहीं इस डब्बे के अंदर क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं, खुल ही नहीं रहा था, कुछ एमओ भी शायद मिल रही है इसमें। तो जो मकड़ी उधर गई थी ना, उसको ढूंढने के लिए मैं इधर आया, तो इधर कोई भी नहीं था। और ये देखो, ये एक आया, इसको मैंने मारा, और जैसे राइट में देखता हूँ दूसरी मकड़ी, और फिर से लेफ्ट में देखता हूँ एक और, बाप रे भागो रे, ये भागो, मैं बाहर आके इन दोनों को फाइनली मार ही देता हूँ। एक को मारा, मकड़ी भी आ रही है, मकड़ी को भी मारूँगा। और यार मेरी हेल्थ बार बार कम क्यों हो जा रही है भाई, ये पीछे से इसने अभी एक फटका मारा, और ये उस तरफ क्यों जा रही है, वापस इस तरफ आ रही है, मकड़ी को हुआ क्या भाई, तेरे को हुआ क्या जो उस तरफ जा रही है वापस आ रही है। और हेल्थ देख लो मेरी, अबे उन्होंने मेरे को एक भी फटका नहीं मारा, मैं 1 HP कैसे हो गया मेरे को पहले ये बताओ। ये देखो इसने एक गोली मारी, मैं एक गोली में मर गया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन इधर रिवाइव भी हो सकते हैं। तो फिर रिवाइव होके जो है मैं वापस से दूसरी जगह आता हूँ, तो इधर एक एनिमी था तो उसको भी मारने की कोशिश कर रही, तो एक हेड लगा, दूसरा हेड लगा, इसको मारने के बाद मैं इधर गाड़ी उठाता हूँ, और मेरे को कुछ लाल लाल ऑप्शन दिखता है, तो मैं उस लाल लाल ऑप्शन की जगह आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी मैप एक्सप्लोर करना था भाई। तो इधर कुछ गोरिल्ला जैसा था, उसको एक गोली मारी, अबे ये क्या है भाई, ये क्या है, कौन है भाई तू, ये पागल हो गया, मेरे पे पत्थर फेंक रहा है, भागो मेरी नींद तोड़ता है, तेरे को अभी दिखाता हूँ, रुको भागता कहाँ पर, भाग मत। अरे अरे माफ कर दो सर, मेरे से गलती हो गई, छोड़ दो, जाने दो, भूल जाओ सर, माफ कर दो, बच्चे को बच्चा हूँ मैं, बच्चा हूँ, छोटी मोटी शैतानी हो जाती है, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे अरे पत्थर फेंकना गलत बात है सर, नहीं सर ऐसा मत करो सर, मेरा पीछे छोड़ दो सर। लगता है अभी इनको इसको ऐसे मारने पड़ेगा, रुक, गया, हाँ बच गया मैं। इसको मारने के बाद कुछ फ्रैगमेंट जैसे कुछ मिलता है, और ये भी कुछ चीज़ मिल जाती है जो आप मेरे मैप के नीचे देख सकते हो। तो इसका क्या इस्तेमाल है मेरे को कुछ मालूम नहीं था भाई, मेरे को पता नहीं था। तो मैं अपना यहाँ से सीधे जोन की तरफ ही निकल जाता हूँ। जोन में आने के बाद मेरे को ये कुछ डब्बा वब्बा मिलता है, उसमें से अपने को एक गन भी मिल जाती है, लेकिन मेरे पास एक अच्छी थी गन, तो मैंने उसका यूज़ नहीं किया। और ये जो नीला नीला था, तो मैंने सोचा यार क्या है ये, तो मैंने इसको दबाया, और भाई अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया, नहीं मारना मत, अरे ये क्या कर रहे, पत्थर फेंक रहे, वहाँ पर कौन है, अबे तेरी, अच्छा बेटा मार खाएगा,
अरे ये क्या कर रहा है, उसको मारने जा रहा है, मुझे छोड़ के उसको मार, ऐसा नहीं करना। अब ये अभी क्या मेरे को मारेगा क्या, उसको मार दिया, नहीं नहीं मारना मत मारना मत। मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे मालिक? हैं मालिक, अभी तो 2 घंटे पहले मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था। फ्लैशबैक। रुक साले, भागता कहाँ पर है, मेरी नींद तोड़ता है, तेरे को अभी दिखाता हूँ, रुक भागता कहाँ पर, भाग मत। और अभी देख लो मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ठीक है तेरे को माफ किया, चल तू भी क्या याद रखेगा, अब मेरे पीछे आएगा, मेरे साथ आएगा। तो मैं अब इस अपार्टमेंट की साइड, अपार्टमेंट नहीं कुछ कंटेनर जैसा था, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग थी मेरे को नहीं मालूम। मैं अपना इधर स्कोप ओप का कुछ चेक वगैरह कर रहा था, तभी इसको देख लो भाई, तेरे को कौन सा दौरा पड़ गया, कहाँ जा रहा है? मैं इसके पीछे गया तो ये भाई साहब जी इधर दीवार के पास आके रुक गए। भाई क्या हुआ, अंदर कोई है क्या? पता नहीं भाई ये अंदर क्यों झांक रहा है भाई। अरे मुक्का किस पे मार रहा है? अच्छा मकड़ी पे मुक्का मार रहा है, और उस साइड भी कोई है? अरे पीछे अच्छा 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 मतलब कोई तो था, इसने देखा पीछे वापस आया, फिर से देखा, वो देखो उधर मकड़ी को मार रहा है। नहीं भाई तू ही मार ले मेरे, तू मैं तो ऐसे ही तेरे कंधे पे बैठता हूँ, काश यार अपन इसके कंधे पे बैठ रहे हो, मैं बैठ सकते तो कितना मज़ा आ जाता भाई। तो थोड़ी देर बाद मैं इधर ही देखता हूँ तो अपना कुछ वापस जाने का पॉइंट अपने को मिल जाता है, और ये अपना इधर ही बैठा है। भाई चल ले मेरे साथ चल ले भाई, ये पत्थर उठाता है किसी के मुंह पे फेंक के मारता है, और टीममेट को देख लो एक बार, इसे थोड़ी बुद्धि आती है, ये वहाँ से हट के वापिस सामने चला जाता है। मेरे को लगा कोई बंदा वंदा मारने जा रहा है, लेकिन ये तो मकड़ियाँ ही मारने जा रहा है, मतलब अपने को। अरे फिर से भाई, ये तो मेरे से भी बड़ा मतलब तेज है भाई। हैं भाई मेरा ध्यान नहीं था उधर मकड़ी वकड़ी हैं, इसने पकड़ ली भाई मकड़ी। भाई काश ये अपने पबजी में होता है यार, मतलब अपने BGMI में, तो सब लोग इसी को उठाने पहले आ जाते, क्योंकि प्लेयर से पहले तो यही पता लगा लेता कि बंदा कहाँ पर है। ये इसको कैसे जी, अरे पत्थर किस पे फेंक के मारा भाई। अच्छा बेटा बेटा मरेगा तू आज, एक हेड पड़ा, एक और हेड पड़ा, चलो भाई 2 हेड पड़े, मार इसको मार। वाह भाई मार दे उसको, थैंक यू भाई, थैंक यू अपनी हेल्प की, थैंक यू, फिर किसी दिन मिलने आऊँगा भाई तेरे को, फिर किसी दिन तेरे से बातचीत करने आऊँगा भाई, थैंक यू, चलो टाटा बाय बाय। अब मैं तो इसको टाटा बाय बाय करके अपन इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, और इसी तरह से ये मैच ख़त्म। इसमें MVP का भी थोड़ा सा अलग है, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन था बड़ा कमाल का। और तभी मेरे को ये कुछ वुल्फ जैसा कुछ दिखता है भाई। इस मोड में आते ही सबसे पहले तो मेरी लॉबी पूरी चेंज हो गई, मतलब कैसी लॉबी लग रही है भाई, अंधेरों वाली। तो मैं अपना पहला मैच स्टार्ट कर देता हूँ। तो पहले मैच में जो है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, सब लोग बस कुछ डब्बे वब्बे हैं जो लूट रहे हैं, और ऊपर 20 सेकंड का टाइमर दिख रहा है। मेरे को लगा कि कहीं ये इन्फेक्शन मोड की तरह तो नहीं होगा कि आधे बंदे कुछ अलग ही जानवर बन जाएंगे और आधे बंदे इंसान बन के रहेंगे। तो मैं अपना इधर बस वेट करता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं, ये सोच के इधर वेट करता हूँ। अचानक से भाई साहब इधर बहुत सारे भेड़ों की आवाज़ आने लगती है, पता नहीं बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं, अभी तक तो शांति है। लेकिन जैसे मैं आगे जाता हूँ, भाई ये गन कौन चला रहा है, और मैं अटक क्यों गया यार, मैं अटक गया। बाहर देखने चलता हूँ तो इधर एक भेड़िया जैसा भेड़िया है क्या, नहीं ये तो बक्सा बना हुआ बंदा है क्या, प्रॉप नेट चल रहा है, और सामने भेड़िया जो ऑफलाइन पड़ा बैठा है, और मेरा टीममेट, अबे भाग ले। और इसमें अजीबोगरीब ग्लिच होता है सच में, कभी कभार आपकी गन चलेगी नहीं, और इनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा दे दी है भाई साहब, इसकी नज़र मेरे पे नहीं पड़े ना। इधर वीडियो देखो, बंदे ऊपर कंटेनर्स पे चढ़ के बैठे हैं,
और ये भी कंटेनर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और टीममेट को तो कुछ सुध-बुध है ही नहीं। मैं तो भाई यहाँ से निकल गया, क्योंकि अगर इनमें से एक भी इन्फेक्ट हुआ तो अपने को भी मारेगा वो। एक को भी अगर मार दिया वो, ये देखो इधर मारने की कोशिश कर रहे हैं। लो एक बंदा बन भी गया, एक बंदा भेड़िया बन भी गया। वो आखिरी बंदा क्या जीतेगा भाई, आराम से आके मार सकते हैं वो। भाग 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 ले। अरे उसको भी भेड़िया बना दिया। नहीं मेरे पे नहीं, भाग लो यहाँ से भागो, ये तो पीछे ही पड़ गया। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे को भेड़िया नहीं बनना, मेरे को इंसान ही बने रहने दो भाई। नहीं नहीं नहीं, और मेरे को ये कुछ पावर अप जैसा लगा, मेरे को लगा कोई पावरफुल गन आपने मेरे हाथ में आएगी और मैं उससे उनको मार दूंगा। लेकिन भैया मैं बक्सा बन गया, मैं चुपचाप इधर बैठ गया, शायद मेरे को इग्नोर करके चला जाए। लेकिन पकड़ लिया इसने मेरे को, तो अब मैं भी भेड़िया बन चुका हूँ और मैं भी अभी शिकार की तलाश में इधर से निकलता हूँ। मेरे को लगा कि कुछ एपेक्स में नहीं होता था ब्लड हाउंड वाला करेक्टर, उसके जैसा मेरे को सब लोग दिखने लगेंगे, ऐसा कुछ पता नहीं। और ये क्या भाई, कुत्ता, ये मैं भी बन गया कुत्ता, ये क्या मजाक है भाई। और लेकिन मैं मार नहीं पा रहा, मैं बस भाग सकता हूँ। इस मैच में मैं इंसान ही था और मैं भाग रहा था, पता है क्यों भाग रहा था, देख लो। अरे ये कब से मेरे पीछे पड़ा है, अबे जाने दे मेरे को भाई, भाग लो भाग लो। मैं बस भागता ही गया, लेकिन एक ने पीछे छोड़ा नहीं, दूसरे ने पीछा करना शुरू कर दिया और आखिरकार मेरे को मार दिया। मैं भी भेड़िया बनने के बाद किसी को ढूंढने जाता हूँ, ये क्या है भाई। ये मेरे टीममेट को कौन सा नशा चढ़ गया भाई, कौन सा दौरा चढ़ गया तेरे को जो ऐसा चल रहा है। दो पैरों से चलते हैं। तो इधर ये अपना टीममेट पता नहीं क्यों कुत्ता बन के इधर बैठा है, तो मैं भी कुत्ता बन ही चुका था और ऊपर कैसे वैसे करके चढ़ जाता हूँ। और एक बार इस बंदे को देखो, हाँ बच गया मैं उन भेड़ों से, अब मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, अब मेरे को कोई खतरा नहीं। इसको मारने के बाद मैं नीचे जाके ढूंढता हूँ बंदे हैं कि नहीं, इधर मस्त सारे बंदे बैठे थे, तो मैं भेड़िया मानव बन के एक एक को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और इसको मारा, इसके टीममेट ने देखो मेरे पे क्या फेंका, भेड़िए से मुर्गी बना दिया मेरे को। अबे मार इस साले को, मार मार इसको, हाँ अच्छा किया मार दिया, अजीब है भाई साहब। और इधर देखो ऊपर एक बंदा बैठा है, इसको पता ही नहीं, सुध-बुध ही नहीं, पीछे से कोई आ सकता है, ये देखो इसको मारा। और बेटा तू कितना गोली चलाएगा, मेरे हेल्थ बहुत ज़्यादा है मुन्ना, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। अब कि मैच में भाई साहब मैं ऊपर ही चढ़ के बैठ गया, मैं नहीं हिलने वाला यहाँ से, मैं तो इधर मस्त कैंपिंग करके बैठ जाऊँगा, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, मैं तो इधर बैठ जाऊँगा इधर, ये सोच के मैं इधर लेट जाता हूँ। A few moments later. थोड़ी देर के बाद इधर एक एयर ड्रॉप आता है लकीली, उसमें से मैं एक गन उठा लेता हूँ, शॉर्ट गन का भी मैं क्या ही करूँगा। तो इधर ये कुछ मेरे को लगा स्नाइपर होगी, लेकिन ये स्नाइपर ने कुछ और ही गन है जिसका कुछ डैमेज पड़ता ही नहीं, ये पीछे से आता है उसके ऊपर मारने की कोशिश कर तो घंटा फरकने पड़ रहा। तब ये दूसरी मैच में है, अगले मैच में मैं उधर जाता ही नहीं छत पे। और एक अच्छा डिसीजन था वो, देखो ऊपर दो दो बंदे भेड़िए बन चुके हैं और मैंने गलती कर दी, जो यहाँ से फायर किया वो मेरे पे आ गए, ये देख लो। तो मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ, मुझे भी यहाँ पर मुर्गी बम मिलता है, और ये देखो ऊपर कूद रहा है ना, उसके ऊपर मैं सीधा मुर्गी बम ये से फेंक देता हूँ। लेकिन इस मुर्गी बम से भी मैं ज़्यादा देर तक नहीं बच सका, मैं इधर से दूसरी तरफ क्यों ही कूदता हूँ, लेकिन कूदता नहीं कूदता तो भी कोई फ़ायदा नहीं, ये मेरे पे अपना अटैक कर देता है और मैं भी बन जाता हूँ भेड़िया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।